हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, स्मैकडाउन का शो हो चुका है। रैंडी ऑर्टन बन चुके हैं स्मैकडाउन गाय। हमारे संतोष एस्कोबार पूरी तरह हील टर्न हो चुके हैं। एंड गाइस, लोगन पॉल की चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉसिबल डेट है स्मैकडाउन से, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल। शो की स्टार्टिंग हमें डैमेज कंट्रोल से देखने मिलती है। सॉरी, डैमेज कंट्रोल तो आती है, लेकिन उससे पहले आती है बियंका ब्लेयर एंड बोलती है कि मुझे चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इयो स्काई है वुमेन्स चैंपियन, तो वो अपॉर्चुनिटी मांगती है। इयो स्काई आगे बोलती है, लेकिन बेली नहीं थी साथ में, तो डिकोटा का ही बोलती है अगर तुझे चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सबको हराना होगा वन बाय वन, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन शार्लोट फ्लेयर भी आती है, क्योंकि वो भी अपॉर्चुनिटी की लाइन में, शॉर्ट से भी आती है, वो भी अपॉर्चुनिटी की लाइन में। तो गाइज, इनकी ब्रॉल होती है एंड मेन इवेंट सेट हो जाता है। उसके बाद हमें, आपको पता ही है कि रैंडी ऑर्टन आने वाले थे आज स्मैकडाउन शो पे, तो गाइज रैंडी ऑर्टन का अनाउंसमेंट होता है एंड एक बैक स्टेज सेगमेंट भी होता है। तो उससे पहले गाइज, बुच का मैच होता है, आपको पता है ब्रॉल इन ब्रूज टूट चुकी है, बुच वर्सेस हमारे बॉबी लैशली। तो बॉबी लैशली और बुच का मैच होता है गाइज। मैच बहुत अच्छा था, बुच को काफ़ी अच्छा बुक किया जा रहा है। सिंगल, मुझे लगता है ऐसे सिंगल बुच को बुक किया जाएगा, क्योंकि ब्रॉलिन टूट चुकी है, शेमस आ नहीं रहे। एंड गाइज, बुच ने बहुत अच्छा मैच दिया, लेकिन बॉबी लैशली हार नहीं सकते हैं। बॉबी लैशली को यह फेस रिएक्शन मिल रहा था, मुझे लग रहा है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली दोनों ही फेस होने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्शन मिला ना बॉबी लैशली को, एकदम फेस रिएक्शन मिला यार, बहुत परफेक्ट रिएक्शन था। बुच हार गए एंड बैक स्टेज बुच पर अटैक भी हो गया प्रिटी डेडली के द्वारा, एंड प्रिटी डेडली के साथ बुच की स्टोरी चलेगी, ये यहाँ से पता चल रहा है। एंड गाइस, बैक स्टेज एक और सेगमेंट था जिसमें हमें पॉल हेमन निक एल्डस से देखते हुए मिले, एंड निक एल्डस बोले कि मैं रैंडी ऑर्टन को साइन करने वाला हूँ स्मैकडाउन में। एंड गाइस, इनकी बैक स्टेज एक और सेगमेंट भी, वो आगे बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉल हेमन कहते हैं कि तुम क्यों साइन कर रहे हो, एंड निक हेल्डस कहते हैं मैं बेस्ट फॉर बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैं साइन कर रहा हूँ। एंड गाइस, वो कहते हैं मुझे तुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कहाँ है रोमन रेंज, एंड वो कह रहा है मैं रोमन रेंज से बात करता हूँ। रोमन रेंज से वो कॉल पर बात करते हैं पॉल हेमन एंड बाहर चले जाते हैं। इतने में हमारा गाइस एक नेक्स्ट मैच होता है, जिसमें संतोष को बार अपने एक फ्रेंड से लड़ते हैं जो LWO के मेंबर थे। मैच काफ़ी अच्छा था गाइस दोनों में, लेकिन गाइस आपको पता है संतोष को बार हील टर्न में है, एंड भाई साहब क्या हील टर्न है उनका। एंड गाइस, किस लेवल पे हील टर्न है यार, आप देख के इमेजिन करो कि बंदे को किस लेवल तक लेके जाने वाले हैं Triple H। एंड गाइस, आपको पता है संतोष को बार बहुत टैलेंटेड है, NXT में इन्होंने बहुत अच्छा हील टर्न किया था, और भाई साहब अब तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। एंड गाइस, मैच के दौरान उन्होंने अपने बंदे को इंजर्ड भी कर दिया एज अ स्टोरी लाइन, लेकिन ड्रैगन ली भाई साहब नेक्स्ट रेम स्टूडियो आते हैं और बचाते हैं अपने पार्टनर को, एंड गाइस अटैक कर देते हैं संतोष एस्कोबार पर। एंड यहाँ से गाइस पता चल रहा है कि ड्रैगन ली और संतोष एस्कोबार की स्टोरी लाइन आगे चलने वाली है, बहुत ज़्यादा आगे। एंड गाइस, ड्रैगन ली को नेक्स्ट रेम स्टूडियो बनाया जा रहा है, उनमें पोटेंशियल भी है और उन्हें क्राउड का रिएक्शन भी मिल रहा है, बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। एंड गाइस, इनकी स्टोरी आगे चलेगी। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट था वो बैक स्टेज था, जहाँ पे हमें निक एल्डस एंड हमारे रॉ के जनरल मैनेजर दोनों देखने को मिलते हैं। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले होते हैं यार रैंडी ऑर्टन को, दोनों ही कहते थे कि मेरी टीम में आ जा, मेरी टीम में आ जा, मेरी टीम में आ जा, दोनों आपस में लड़ रहे होते, बहस कर रहे होते। लेकिन गाइस, नेक्स्ट हमें मिला लोगन पॉल की एंट्री इन यूनाइटेड स्टेट, एंड लोगन पॉल आते हैं, प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं कि रेम स्टूडियो के साथ मैं मैच कर सकता था, लेकिन वो इंजर्ड हो चुके हैं, मुझे बहुत मज़ा आता उनके साथ मैच करने में, लेकिन ही इज़ इंजर्ड। एंड गाइस, उन्होंने एक टूर्नामेंट अनाउंसमेंट की, जहाँ पर केविन ओवन, ऑस्टिन थ्योरी, हमारे ग्रेसन वॉलर, इवन गाइस हमारे कैरियन क्रॉस, बॉबी लैशली और भी बहुत सारे स्टार्स होने वाले, और इनका मैच कंफर्म हो चुका है इन टूर्नामेंट। जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो फेस करेगा लोगन पॉल को। एंड गाइस, लोगन पॉल लास्ट में नेम लेते हैं केविन ओवेंस, एंड तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का, एंड वो बाहर आते हैं एंड वो बोलते हैं कि हाँ तू वैसे वैसे वैसे, मतलब तू अच्छा है, तूने परफॉर्म अच्छा किया। लेकिन गाइस, लोगन पॉल उनके KO को कहते हैं, आई विल KO यू इन जस्ट सेकंड्स, आई एम बॉक्सिंग इन फ्रंट ऑफ बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं मैंने सबसे बेस्ट वर्ल्ड में वेदर के साथ बॉक्सिंग की हुई है, और मैं तुझे एक मिनट में KO कर सकता हूँ, ये तुझे ही पता है। एंड केविन ओवन कहते हैं वो बॉक्सिंग नहीं है बेटा, ये मेरी रिंग है, दिस इज़ माई किंगडम, एंड यहाँ पर मेरी चलती है, तो उसे कंपेरिजन मत कर यहाँ रिंग से। तो गाइज, इतने में ग्रेसन बॉलर आते हैं, भाई साहब इनका मैच फिक्स हो गया, केविन ओवन वर्सेज ग्रेसन बॉलर। मैच अच्छा था, ग्रेसन बॉलर बहुत अच्छे थे, लेकिन इस मैच में जीत के हमारे केविन ओवन, उनको थोड़ा सा मतलब हैंड में इशू दिखाया, लेकिन गाइस स्टोरी लाइन का हिस्सा है।
तो हमारे कैविन ओवेंस जीत चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड गाइस ये टूर्नामेंट मुझे लगता है होगा हमारी रॉयल रंबल में मैच, जो जीतेगा वो चैलेंज करेगा लोगन पॉल को। तो मुझे लग रहा है केविन ओवेंस जीत सकते हैं। कैरियन क्रॉस भी है, बॉबी लैशली भी है। तो हमारा गाइस नेक्स्ट था जो वो था बेली, सॉरी हमारी क्या नाम है यार उसका, कायरी सेन वर्सेस बियंका ब्लेयर। तो गाइस मैच बहुत अच्छा था, लेकिन इनका बैक स्टेज सेगमेंट था जहाँ बेली आती है और बेली बोलती है हाँ बेली ने डैमेज कंट्रोल क्रिएट की थी। लेकिन गाइस बहुत सा इनका हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट सा, देखो क्या होता है। मैच में किस ऑफ डैथल का आगे जीत गई हमारी बियंका ब्लेयर। मैच इतना खास नहीं था, कोई परफेक्ट मूव नहीं थे, इतना मुझे बेस्ट नहीं लगा मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइस मैच में जीत चुकी हैं हमारी बियंका ब्लेयर। एंड बेली का फेस टर्न होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि गाइस उनका फेस रिएक्शन देख के लग रहा था वो फेस होने वाली हैं बहुत जल्दी गाइस। एंड गाइस इसमें कायरी सेन हार गई। एंड हमारा मेन इवेंट था रैंडी ऑर्टन किसको साइन, किस ब्रांड पर साइन करते हैं। एंड गाइस सीएम पंक आने वाले हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी ये अपडेट्स थी। तो गाइस हमारे लास्ट एंड फाइनल जो था सेगमेंट वो था रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन आते हैं, निकालडस कहते हैं कि मैं तुझे ब्लड लाइन दूंगा, तुझे जो चाहिए जिन्होंने तुझे बाहर निकाला। एंड गाइस हमारे दूसरे जो जनरल मैनेजर वो कहते हैं मैं तुझे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दे सकता हूँ। लेकिन गाइस तभी आते हैं हमारे पॉल हेमन, वो कहते हैं ये डिसाइड करें कि ब्लड लाइन के दो मेंबर आते हैं, अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन में सोलो एंड जिमी। लेकिन गाइस एलन नाइट आके सेव करते हैं, एलन नाइट सोलो को बाहर ले जाते हैं। एंड गाइस आर के ओ पड़ती है हमारे जिमी ओसो को। एंड गाइस हमारे जो मेन बंदे हैं पॉल हेमन को रैंडी ऑर्टन कहते हैं डैडी इज बैक, रोमन रेंज को बता दे कि पप्पा घर पे आ गए हैं। और गाइस यार ये सेगमेंट बहुत अच्छा था, प्रोमो तो उससे भी खतरनाक था। तो गाइस यहाँ से ये बजा रहा है रैंडी ऑर्टन जाएंगे रोमन रेंज की चैंपियनशिप के लिए, एंड दिस इज कन्फर्म। एंड नेक्स्ट वीक आने वाले सीएम पंक एंड रॉयल रंबल भी कन्फर्म हो चुकी है, उसका पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने डाल दिया है। एंड गाइस द बिगेस्ट शॉक इज 95 मिलियन व्यूज ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन WWE सीएम पंक के आने से। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।